हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल वेलकम टू दी लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर सो यहाँ पे हम चैप्टर वाइंड अप करने वाले हैं डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक नंबर मास नंबर थर्ड चैप्टर में पढ़ के आइए फटाफट से रिवाइज करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन्स लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर सो एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटोन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है वैलेंसी में भी ये चीज देख के आए हैं हम देन एन एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम चेंजिंग एटॉमिक नंबर मींस चेंजिंग द एटम अब वो बोल रहे हैं ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना ये एक एटम की आइडेंटिटी होता है अगर आप एटॉमिक नंबर चेंज करते हो तो बेसिकली आप पूरा एटम चेंज कर रहे हो ठीक है ना नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जी तो बहुत आप देखोगे जी से उसको डिनोट किया जाता है अब मास नंबर भी इसी तरीके से पढ़ लेते हैं सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन ऑफ न्यूट्रॉन्स लाइंग इन द न्यूक्स ऑफ एन एटम सो हमें ये पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल हो ये कहीं नहीं गिवन हमें सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को टोटल जब हम करते हैं तो हमें मास नंबर मिलता है ठीक है जी इट इज डिनोटेड बाय ए और इसको ए से डिनोट करते हैं आप लिख सकते हो मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस

सो आइसोटॉप्स क्या होता है ना फर्स्ट द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो सो so, ऐसे एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में जिनका एटॉमिक नंबर सेम ही है लेकिन उनका मास नंबर अलग है अब ये कैसे पॉसिबल है देखो एटॉमिक नंबर तो हमारा होता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने तो ये दो एटम्स हैं ठीक है अब इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है लेकिन अगर इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है जैसे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है इसमें न्यूट्रॉन्स अलग है तो मास नंबर उनका अलग हो जाएगा तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये दोनों हमारे आइसोटॉप है जिनका ऑफ न्यूट्रॉन्स इस केसेस में अलग है तभी मास नंबर अलग हुआ है ठीक है है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग नेक्स्ट में आइसोटोप्स आर प्योर सब्सटेंस ये प्योर सब्सटेंस होते हैं देन आइसोटोप्स हैव अ सिमिलर केमिकल नेचर तो इनके अब जैसे अगर ये दो हैं तो इन दोनों का जो केमिकल नेचर होगा वो बिल्कुल सेम होगा लास्ट है आइसोटोप हैव फिजिकल फिजिकल इनकी जो है वो अलग हो सकती है so, दोबारा से सारा एक बार वाइंड अप कर समझ लेते हैं ऐसे दो हमारे पास एटम की एग्जिस्टेंस हो सकती है जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है पहली चीज दूसरी चीज ये हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं तीसरी चीज इनका जो केमिकल नेचर होता है वो सेम ही रहता है एंड चौथी चीज इनकी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती है वो अलग अलग होती है आई होप दिस इज क्लियर चलो आइसोटोप समझ में आ गया सो so, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है जैसे ओरली बताया था वैसे ही आपको एक एग्जाम्पल लिखा हो बता देती हूँ कंसिडर टू एटोमिक स्पीशीज नेमली यू एंड वी आर दे आइसोटोप सो दो यहाँ पे एक यू ले लिया हमने एक वी ले लिया अब हम बोल रहे हैं क्या वो आइसोटोप है देखो जरा नंबर ऑफ प्रोटोन इसके भी फाइव हैं इसके भी 5 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके 5 हैं इसके 6 हैं इसका क्या मतलब हुआ कि इनका जो एटॉमिक नंबर है क्योंकि हमारा अभी हम पढ़ के आए हैं ना एटॉमिक नंबर क्या होता है जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मतलब इसका एटॉमिक नंबर ये जो हमारा u है ये इसका एटॉमिक नंबर भी 5 है v है इसका एटॉमिक नंबर भी 5 है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटोन्स दोनों के सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग है न्यूट्रॉन्स क्या हेल्प करते हैं मास नंबर बनाने में तो जब आप इसका मास नंबर निकालोगे तो फाइव प्लस फाइव टेन होगा लेकिन oh. यहाँ पे फाइव प्लस सिक्स इलेवन होगा मतलब मास नंबर इनके अलग हो गए विच मीन्स यू एंड वी आर आइसोटोप्स ठीक है एक बार पढ़ लेते हैं फ्रॉम द अब एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट यू एंड वी आर आइसोटोप बिकॉज दर अटोमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट वो मैंने अपने आप बोल के ऐड किया है चलो आई होप दिस इज क्लियर अब एक ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एमसीक्यू में इस तरह से बट ये इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ आइसोटॉप आइसोटॉप का क्या यूज होता है तीन यहाँ पे यूजेस देख लो यूरेनियम आइसोटोप इज यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रेक्टर देन आइसोटोप ऑफ कोबेल्टज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गोएटल ये तीन ही एग्जाम्पल है यही याद कर लो इसी के भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है सो टेक दिस एज एन इम्पोर्टेंट थिंग चलो लास्ट हमारे पास है आइसोबार जैसे हमने आइसोटोप पढ़ा ऐसे ही आइसोबार्स होता है आइसोबार्स क्या है आइसोबार्स एलिमेंट्स विच हैव हाँ द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर अब उनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है किसी का भी अगर एटॉमिक नंबर अलग है तो हमने पढ़ा हुआ है दो अलग एटॉमिक नंबर मतलब वो अलग अलग एटम्स हो लेकिन उसमें हमारा मास नंबर सेम हो सकता है कैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो हमारे पास जैसे ए आर की हम बात करें आर्गन की बात करें तो इसका एटोमिक नंबर होता है एटीन इसका मास नंबर है फोर्टी इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है एटीन प्रोटॉन्स है एटीन और ट्वेंटी टू न्यूट्रॉन्स है इसी तरह से अगर हम इसकी पोटेशियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर तो इसका 19 है लेकिन इसका मास नंबर 40 है क्यों देखो इलेक्ट्रॉन्स और तो दोनों के आपने देखा कि एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है अलग अलग है ना ये आर्गन है ये पोटेशियम है इसी तरह से कैल्शियम है इसका एटॉमिक नंबर ट्वेंटी है लेकिन इसका भी मास नंबर सेम आ रहा है तो इस केस में हमारे एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये तीनों हमारे आइसोबार्स हो गए क्लियर आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू आपको समझ में आ रहा होगा एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट सो so, हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं एंड आपको चैप्टर इजी लगा हो आई होप सो अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप दोबारा वीडियोस प्लीज देखो ताकि आपको क्लियर हो जाए अदरवाइज आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो आई विल सी यू विद दी इन बिटवीन एक्सरसाइजेज जो बीच में क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे आप एंड देन हमारी बैक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे सो फॉर दिस सेशन हमारे नोट्स होते हैं कंप्लीट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय